एमएलए साहब बस करिए, आप बहुत हो गया, अपने पावर का सही इस्तेमाल करिए, शहर इंतजार कर रहा है आपके काम के लिए, लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए। आप इन गरीबों को दिलवाइए, गरीब तो नहीं कहना चाहिए, जो बेचारे उस मुसीबत की घड़ी में आ गए उन्हें दिलवाइए। क्यों नहीं दिलाया जाता इन लोगों को पैसा? आप कहते हैं कि सीएम साहब मुझे देख के गाड़ी रोक दिए, गाड़ी में बिठा लिए, बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी सीएम साहब से, आपको सलाम है सर। तो आप अपनी दोस्ती का फायदा उठाइए ना। ये बिजली कंपनी जो शहर के अंदर गुंडागर्दी कर रही है, गरीब से लेके अमीर आवाम तक का परेशान है, बुनकर परेशान है, कारखानेदार वालों को रोए से रोवाई नहीं आ रही है, और आप उठे छूटे चले जाते हैं एडिशनल एसपी साहब के पास, पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी इस मामले में? पुलिस का कोई रोल नहीं है। आपकी इतनी अच्छी सीएम से है ना, तो आप ये शहर के जिम्मेदारों को लेके जाइए सीएम के पास, और वहां बैठ के इस निकम्मी बिजली कंपनी को यहां से भगाइए। ये सब आप लोग नौटंकी कर रहे हो, वोट की नौटंकी। जब बिजली कंपनी एंट्री की, हम ही थे जो लड़ते थे बिजली कंपनी के खिलाफ, तमाम यूट्यूबर चैनल उठा के अपने चैनल पे देख सकते हैं, आवाम देख सकती है कि पूरी बस्ती से हमने इन कंपनी वालों को भगाया है। तब तो आपने मुंह नहीं खोला, साबिक एमएलए ने मुंह नहीं खोला, तब क्या था तुम लोगों का? आज जब शहर मुसीबत में आ गया है तो आप चिल्ला रहे हो, और वही पुरानी रविश नौटंकी। एसपी ऑफिस गए, एसपी साहब ने बुलाया, मिले नहीं। क्यों मिल रहे हो भाई आप एसपी साहब से? मत मिलिए इनसे, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। आप सीधा सीधा मंत्रालय जाके वहां से बैठ के निजात दिलाइए आवाम से, खाली वोट की सियासत। जमीयतुल उलमा जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है, काबिले मुबारकबाद है, लेकिन जब इतना फंड इन लोगों के लिए वहां पड़ा है, तो इन गरीबों को आप एक चम्मच, एक कम्बल, एक बिस्तरा, एक बर्तन और एक मकान टूटा फूटा बना के दे करके क्यों फोटो खिंचा रहे हो? जकात का पैसा उन्हें दे रहे हो? जिस जगह पे सरकार की स्कीमें नहीं है, आप वहां मदद करिए ना, वो भी तो बैतुल माल का पैसा है। जहां सरकार की स्कीमें नहीं है, जो लोगों तक का स्कीमें नहीं पहुंच रही है, आप उन्हें मदद करिए, हकदार है उस चीज के। यहां तो सब कुछ रखा हुआ है, छोड़ के आप जनता का पैसा लेके आवाम में बांट रहे हो, और अपनी ही पीठ थपथपा रहे हो कि हम जो कहते हो करते हैं। क्या आपका पैसा है? क्या आपने दिया है क्या एक रुपया? आप सियासत में हो, सियासी बात कर रहे हो, सियासी काम कर रहे हो, तो सियासी तरीके से करिए। जमीयत को अपनी ढाल मत बनाइए। शहर के तमाम जिम्मेदारों से मैं कहना चाहूंगा कि हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आवाम का अपना फंड रखा हुआ है, वो इनके गिरेबान पकड़ के लीजिए, और ये झांसा बंद कर दीजिए जमीयत से मदद पहुंचा के, और सियासत में अपनी क्रेडिट लूटना। आवाम ये मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए दोनों से सावधान रहे, और देखते रहे कि ये लोग किस तरीके का खिलवाड़ शहर के साथ कर रहे हैं। बाकी फैसला महावितरण। मैं शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूं, ये प्राइवेट बिजली कंपनी गैर कानूनी तरीके से आपके वार्ड में आती है, तो घुसने भी मत दीजिए इन्हें। अब पुलिस को आने दीजिए आपके पास, उनको बुला के लाने दीजिए पुलिस को। तुम क्यों लड़ रहे हो घड़ी घड़ी पुलिस के पास? पुलिस आए तो उनसे पूछिए कि इनके पास क्या परमिशन है इस तरीके से घुसने का। अगर जो इतना संबंध दोस्ताना मेरा सीएम के साथ होता ना, तो मैं दूसरे दिन ही आवाम का और शहरियान का काम करवा दिया होता। एमएलए साहब बस करिए, आप बहुत हो गया, अपने पावर का सही इस्तेमाल करिए, शहर इंतजार कर रहा है आपके काम के लिए, लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।